नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं चुनाव पर हमारा खास शो। अब की बार आर पार। देश में दो चरण का मतदान हो चुका है। देश की 190 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। 2019 के मुकाबले दोनों चरणों में इस बार कम मतदान हुआ। अब तपती गर्मी में 7 मई को तीसरे चरण के वोट डाले जाने हैं। बीजेपी की रैलियों में अब की बार 400 पार का नारा कम सुनाई दे रहा है। जिस दमखम से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के बड़े नेता चुनाव की शुरुआत में 400 पार का नारा लगा रहे थे, अब उसकी फ्रीक्वेंसी बेहद कम हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस नए मुद्दों को धार देने में जुटे हुए हैं। जैसे जैसे चुनाव समाजवादी पार्टी के गढ़ में अब आ रहा है, अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने नए दावे, नए नारे शुरू कर दिए हैं। वे कह रहे हैं कि बीजेपी दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ। तो आज हम उत्तर भारत की इन्हीं 10 सीटों का विश्लेषण करने वाले हैं जिन पर 7 मई को वोट डाले जाने हैं। मध्य उत्तर प्रदेश की इन सीटों को यादव बेल्ट या यादव पट्टी भी कहा जाता है। ये सीटें हैं आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, फतेहपुर सीकरी, मैनपुरी, एटा, संभल, बरेली, आंवला और बदायूं। तो शिवेंद्र, ये जो 10 सीटों की आप बात कर रहे हैं, तो इस बार यहाँ पर किस तरह का चुनावी माहौल आपको समझ में आ रहा है? देखिए, जैसे पहले और दूसरे फेज में हर ऐसी पॉकेट्स लग रही थी जहाँ पर कहीं पर जाट ज़्यादा थे, कहीं पर मुस्लिम्स ज़्यादा थे, लेकिन अगर पुराना इतिहास देखें तो इन सीटों पर, इन 10 के 10 सीटों में एक दो को छोड़ दें अगर, तो ज़्यादातर यादव बहुल एरिया है और लगातार वहाँ पर समाजवादी पार्टी का नेतृत्व रहा है, वहाँ का रिप्रेजेंटेशन रहा है। और इसीलिए इस बार अखिलेश यादव भी बहुत मुखर हो रहे हैं। जो बीजेपी है वो भी तमाम दूसरी बातें तो कर रही है, लेकिन जो उनको अंदर का पता है कि इन सीटों पर उनके लिए चुनौती ज़्यादा बड़ी हो गई है, क्योंकि पहले के बारे में जो जानकारियाँ आ रही थी कि शायद मुश्किल है, सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये मान के चला जाता है कि यादव बेल्ट होने की वजह से इसमें समाजवादी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। इसी वजह से अगर इन सीटों पर आप देखेंगे तो कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के बाद इन सीटों पर कांग्रेस ने ज़्यादा जोर आजमाइश नहीं की कि उनके लोगों को टिकट दिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर या तो समाजवादी पार्टी परिवार से लोग जो हैं वो आते हैं या फिर यादव बहुल लोग ही आते हैं। तो ये जो पूरा जो 10 सीटों का पूरा कुनबा है कहेंगे, वहाँ पर जाहिर सी बात है जो गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन, उसका यहाँ पर डोमिनेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन शिवेंद्र, अगर आप देखिए तो पिछले चुनाव में बीजेपी ने 10 में से 8 सीटें जीती हैं, तो क्या लगता है कि इस बार बीजेपी दोहरा पाएगी? देखिए, दोहराने को इतिहास तो कई बार दोहराया जाता है, नया इतिहास लिखा जाता है, पुराना मिटता है, लेकिन सीटें तो जीती जरूर, क्योंकि पिछली बार अगर आप याद करेंगे 2019 में मोदी की लहर थी, यूपी की तमाम सीटें, एक सीट कांग्रेस को एक सीट मिली थी, सोचिए, जो कि इस अलायंस का सबसे बड़ा पार्टनर है, उसके सबके बावजूद जो जीत का अंतर था वो इतना ज़्यादा नहीं था जितना बड़ी बड़ी सीटों पे हो जाता है। तो भले ही आंकड़ों में दिख रहा हो कि 10 में से ज़्यादा सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार चुनौती ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि इस बार मोदी लहर नहीं है, लोगों ने उनको ब्रांड मान लिया है, और जो 400 पार का नारा दिया जाना था उसके साथ जब अगर उसको तुलना करेंगे तो ये उतना आसान दिखता नहीं है। यानी तय है कि राह इतनी आसान नहीं है। तो तीसरे चरण की जिन सीटों पर घमासान है उनमें सबसे प्रमुख है मैनपुरी, जहां से समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी की तरफ से योगी सरकार में मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह मैदान में है। वहीं बीएसपी ने भी यादव नेता शिव प्रसाद यादव पर दांव लगाया है। ये सीट यादव परिवार का गढ़ है, इसके लिए आपको इस सीट के पिछले 4-5 चुनाव के आंकड़े देखने होंगे। 2009 में मुलायम सिंह यादव, 2014 में फिर से मुलायम सिंह यादव, 2014 में उपचुनाव हुए तो तेज प्रताप यादव, जो कि मुलायम यादव के रिश्तेदार हैं, मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से 2019 में आए, लेकिन 2022 में डिंपल यादव यहाँ पर आई, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया था और उसके बाद डिंपल यादव यहाँ से फिर से जीत करके आई। 2009 से 2024 तक के मैनपुरी लोकसभा चुनाव के आंकड़े आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये सीट यादव परिवार का आखिर गढ़ है क्यों। 2009 में मुलायम सिंह यादव जीते थे, 2014 में भी जीते, लेकिन दो जगह से। उन्होंने जब आजमगढ़ सीट अपने पास रखी और मैनपुरी छोड़ी तो यहाँ उपचुनाव में उनके पोते तेज प्रताप यादव जीत गए। 2019 में फिर मुलायम सिंह यादव जीते, उनके निधन के बाद 2022 में हुए उपचुनाव तो इसमें डिंपल यादव जीत गई। तो इस सीट पर यादव परिवार के दबदबे का एक और कारण है, आप समझ लीजिए। इसी जिले की करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव विधायक हैं, जबकि मैनपुरी लोकसभा में ही आने वाले जसवंत नगर विधानसभा सीट से शिवपाल यादव विधायक हैं। तो अगर
शिवेंद्र, मैनपुरी की बात करें तो यहाँ ये तो पूरा ही समाजवादी पार्टी का गढ़ है। पिछले मेरे ख्याल से 26 सालों से यहाँ पर वही जीतते आ रहे हैं और बीजेपी ने तो कभी यहाँ पर खाता खोला नहीं है। क्या लग रहा है आपको, हालांकि इस बार का चुनाव जो है राम मंदिर पे भी ला रहे हैं आप? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं जो बीजेपी को प्लस करते हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे तो इतिहास ये बताता है कि इस सीट पर बीजेपी का गढ़ कभी नहीं रहा, यादव परिवार का ही दबदबा रहा। और लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि चुनाव में समीकरण कई बार बदलते हैं। कन्नौज से डिंपल को टिकट दिया गया था लेकिन वो हार गई वहाँ से। अब वो सुब्रत पाठक जीते बीजेपी की 2019 में, उसके बाद उपचुनाव में यहाँ पर डिंपल यादव को लाया गया तो जीत गई। लेकिन बात यह है कि जो ये पूरा का पूरा एरिया है, पूरा गढ़ है, जो सीटें हैं, ये यादव परिवार के पास सालों साल से रहती आई हैं। 2019 की अगर बात छोड़ दें, जहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर हुआ उत्तर प्रदेश में और बहुत ज़्यादा सीटें बीजेपी के पास आईं, तो इन सीटों पर जो जीत का अंतर यादव परिवार का रहा है वो भी अच्छा खासा रहा है। तो कुल मिलाकर के इतना आसान बीजेपी के लिए है नहीं। फिलहाल तमाम जो रणनीति और तरीके बनाए गए हैं वो जरूर इशारा करते हैं कि हो सकता है उलटफेर हो जाए। नहीं, एक बात तो साफ है कि विरासत की लड़ाई और वर्षे जो बदलाव के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए, यहाँ पर राम मंदिर का मुद्दा भी बनाया जा रहा है कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले वर्सेस राम मंदिर बनवाने वाले, तो आपको लग रहा है कि कहीं ये कुछ काम कर सकता है? देखिए, ये फैक्टर तो शर्तिया बीजेपी इस्तेमाल करेगी और ये काम कर भी रहा है, लेकिन इस एरिया में बहुत ज्यादा, इस एरिया की अगर बात छोड़ दीजिए तो आपको दिखेगा इस चुनाव में बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही बीजेपी जितनी उम्मीद की जा रही थी। उसकी वजह यह है कि उनके पास बहुत सारे और से फैक्टर्स हैं, उनकी रणनीति अलग अलग तरीके से अलग अलग इलाके के हिसाब से है। और इसीलिए शायद नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया है अब की बार 400 पार, तो वो 400 पार किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर के नहीं बात कर रहे हैं। जिस इलाके में या जिस गढ़ में जाते हैं वहां पर उस मुद्दे की बात करते हैं। यहां पर रिलेवेंट हो जाता है। क्षेत्रीय नेता और कार्यकर्ता लगातार कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो उन्होंने राम सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, उसको बुनाने कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी लहर नहीं बनाई गई है। तो अलग अलग जो मुद्दों का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है वो भी उनकी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन कौन सी रणनीति कितना काम करती है ये तो नतीजे ही बता, ये कह पाना मुश्किल है। मैनपुरी के बाद अब बात करते हैं बरेली लोकसभा सीट की। तीसरे चरण की ये सीट बेहद रोचक हो गई है। 8 बार के बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार का टिकट कटने के बाद यहाँ कौन कौन मैदान में है देख लीजिए। बरेली में मुख्य मुकाबला बीजेपी के छत्रपाल सिंह गंगवार और समाजवादी पार्टी के प्रवीण सिंह एरन के बीच ही है। बीएसपी ने यहाँ छोटेलाल गंगवार को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनका पर्चा खारिज हो गया। शिवेंद्र, सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि 8 बार के सांसद संतोष गंगवार को हटाने की क्या जरूरत पड़ गई, और आपको लगता है कि इनके बिना ये चुनाव जीत पाएंगे या इनके ऊपर भारी पड़ सकता है? देखिए, बीजेपी की जो रणनीति का हिस्सा है, इस बार एक बहुत खास बात देखने को मिलेगी। हालांकि शुरुआत में कहा जा रहा था कि 40% टिकट जो है वो बदल जाएंगे, उतने तो नहीं बदले, लेकिन उन तमाम सीटों पर जहां दो दो तीन तीन बार इनके सांसद रह चुके, लगातार जीतते आए, अच्छा जनाधार है और वो दावा भी करते रहे कि अच्छा काम किया है, उसके बावजूद भी बदले गए। संतोष गंगवार तो एक एग्जाम्पल है, हालांकि बड़ा एग्जाम्पल है क्योंकि 7 बार जीते हैं, उनको बदलना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन 3-3 बार के जीते हुए भी लोगों को इसलिए बदला गया, वो इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का जरूर डर है कि कहीं एंटी इनकम्बेंसी न बन गई हो, कहीं नाराजगी ना हो। जो तमाम सर्वे कराए गए, जो तमाम रिपोर्ट्स मंगाई गई, उनमें भी कई शिकायतें आई, कई बातें आई कि सांसद लोग अब कम काम कर रहे हैं। उसकी वजह एक ये भी है कि हर जगह मोदी का चेहरा, मोदी का नाम, केंद्र सरकार की अगर बात हो, राज्य सरकार की बात हो, सब जगह केवल मोदी की बात होती है या फिर योगी की बात होती है। तो इसका जो एक असर है वो जनता में शायद इस तरीके से उन्होंने भांपा और उसी का नतीजा है कि ये टिकट कटे। और इसका एक और खामियाजा बीजेपी को शायद हो सकता है, रिजल्ट के बाद पता चलेगा, लेकिन खामियाजा हो सकता है क्योंकि जो लोग इतनी बार सांसद बन चुके, इतना जनाधार है, इतने बड़े नेता हैं, वो ये उम्मीद मान के चलते हैं कि उनको टिकट मिलेगा ही मिलेगा, और ऐसे में जब नहीं मिला तो उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो नाराज हैं। इसीलिए जो जानकार हैं वो ये भी बताते हैं कि जो वोट परसेंटेज है वो गिरा, क्योंकि ये नाराजगी भी हो सकती है, गर्मी का असर भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि भाई विपक्ष ये मान के बैठ गया है कि 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया है तो इतना तो ले ही आएंगे कि जीत जाएंगे तो वोट देने किस लिए जाएं। बिल्कुल, बरेली लोकसभा सीट कुर्मी बहुल सीट है। संतोष गंगवार का टिकट काट कर बीजेपी ने कुर्मी नेता छत्रपाल सिंह को टिकट दिया है। बरेली लोकसभा सीट जहां मतदाता 18 लाख, मुस्लिम मतदाता 7 लाख, लेकिन कुर्मी 6 लाख हैं, शेड्यूल कास्ट 2.5 लाख, अन्य 2.5 लाख। बरेली जो आप देखिए इस चरण में सबसे इम्पोर्टेंट सीट है, तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी के लिए मुश्किल है या सारे पेच कस लिए गए हैं? देखिए,
तमाम तरीके के इंतजाम बीजेपी की तरफ से किए गए और इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी की जैसी रणनीति विपक्ष में किसी के पास नहीं है। कोई चीज अचानक से आ जाए और उसका फायदा विपक्ष को मिल जाए ये बात अलग है, लेकिन वो पांच साल 2400 घंटे हर दिन चुनाव के मोड में रहते हैं और तैयारी भी उसी हिसाब से रहती है। तो एक नहीं, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी घेर सकती है, लेकिन अभी जनता का मूड कुछ अलग सा दिखने लगा है कि वो उन मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं जो बीजेपी या केंद्र में या विपक्ष के जो बड़े नेता कर रहे हैं, वो अपने मुद्दों की भी बात करते हैं। तो उन मुद्दों को अगर हावी होने दिया गया या हावी रहा तो शायद हो सकता है नतीजा कुछ और होगा, वरना जिस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है चाहे विपक्ष की तरफ से हो चाहे बीजेपी की तरफ से हो, वो नैरेटिव अगर सेट होता है तो फैसला उन मुद्दों पे होगा जो मोदी जी या फिर राहुल गांधी या समाजवादी पार्टी कर रही है। तो नतीजे ही बता पाएंगे कि अंदरूनी पेच कस लिए गए हैं या अभी भी कुछ बाकी रह गया। तो बरेली के बाद अब हम बात करते हैं बदायूं सीट की। ये सीट भी तीसरे चरण की हाई प्रोफाइल सीट है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने यहाँ नए उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी ने 2019 की सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया। समाजवादी पार्टी ने पहले शिवपाल यादव को उम्मीदवार बनाया लेकिन बाद में उनके बेटे आदित्य यादव को उम्मीदवार बना दिया। तो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बदायूं लोकसभा सीट के बारे में समझा देते हैं। बीजेपी से उम्मीदवार हैं दुर्विजय शाक्य, आदित्य यादव है समाजवादी पार्टी की तरफ से और बीएसपी ने उतारा है मुस्लिम खान को इस सीट से। बदायूं लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। बदायूं लोकसभा सीट पर आदित्य यादव के खिलाफ बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया है, दुर्विजय शाक्य को उतारा है, वहीं बीएसपी से मुस्लिम खान किस्मत आजमा रहे हैं। 2009 और 2014 में बदायूं से सांसद बनने वाले धर्मेंद्र यादव 2019 के चुनाव में बीजेपी से हार गए थे। बीजेपी की संघमित्र मौर्य सांसद चुनी गई थी लेकिन इस बार दुर्विजय शाक्य पर भरोसा जताया गया है। तो आदित्य यादव पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं जिन्हें जिताने के लिए शिवपाल यादव ने बदायूं में डेरा जमा रखा है। खबरें ये भी हैं कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले सलीम शेरवानी और आबिद रजा को मना लिया है ताकि बीएसपी के मुस्लिम खान के चलते मुस्लिम वोटों में बिखराव ना हो सके। ऐसे में देखना यह है कि आदित्य क्या अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव की हार का हिसाब बीजेपी से बराबर कर पाएंगे या नहीं, लेकिन यहाँ निश्चित तौर पर मुकाबला कांटे का है। तो शिवेंद्र, बदायूं से उम्मीदवार तो आदित्य हैं लेकिन चुनाव उनके पिता शिवपाल यादव लड़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि शिवपाल की ताकत यहां पर काम आएगी, किस तरह की संभावना आपको दिख रही है? देखिए, ये बदायूं की जो सीट है ये बेहद दिलचस्प है। यहां से शिवपाल यादव को टिकट दिया गया लेकिन फिर धीरे धीरे माहौल बनना शुरू हुआ कि आदित्य यादव को टिकट दिया जाए। हम आपको ये भी बता दें कि काफी कम उम्र के हैं अभी आदित्य यादव, पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जब से यादव परिवार में बिखराव हुआ था शिवपाल यादव से या आदित्य यादव से अखिलेश यादव की बात भी नहीं होती थी। जब बातचीत होनी शुरू हुई तो धीरे धीरे जब तल्खियां दूर होना शुरू हुई तो शिवपाल यादव की पूरी पार्टी को मर्ज कर लिया लेकिन केवल शिवपाल यादव को विधानसभा का टिकट दिया। इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया उन्होंने। उसके बाद जब टिकट देने की बात आई तो जहां जहां से वो चाहते थे शिवपाल यादव किसी को टिकट दिया जाए वहां से अखिलेश यादव ने टिकट लोगों को नहीं दिया, फिर भी उसका सेक्रीफाइस शिवपाल यादव ने किया सिर्फ इसलिए कि आदित्य यादव को किसी तरह की टिकट मिल जाए। आखिरी क्षण तक वो कोशिश करते रहे लेकिन टिकट नहीं मिला, शिवपाल यादव का नाम डिक्लेयर हो गया, शिवपाल यादव फिर भी लगे रहे। आखिर में एक रणनीति काम आई, वो रणनीति ये थी कि लोगों ने अब मांग करनी शुरू की कि आदित्य यादव को लड़ाया जाए और उसके पीछे की रणनीति और जो प्लान था या जो बात थी वो ये थी कि शिवपाल यादव अगर एक जगह से लड़ेंगे तो अपनी सीट को जीतने के लिए ही लग जाएंगे, उनकी जगह उनके बेटे को अगर मौका दिया जाए तो शिवपाल यादव के अनुभव का लाभ पूरे प्रदेश में मिल सकता है। और आखिर में ये तरकीब काम आई और शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को पहली बार टिकट मिल गया। और जो ये सीट है यहाँ पर लगातार दबदबा रहा है समाजवादी पार्टी का ही। जब धर्मेंद्र यादव हारे तो वो एक ऐसा मौका था जिसमें किसी को उम्मीद नहीं थी कि धर्मेंद्र यादव वहाँ से हार जाएंगे, लेकिन फिलहाल 2019 में हारे और उसके बाद अब मौका मिला आदित्य यादव को। चुनौती बड़ी है क्योंकि पहला मौका है, अनुभव की कमी है क्योंकि आगे कभी नहीं आने दिया गया और बहुत आगे आकर के लीड भी नहीं किया, लेकिन शिवपाल यादव की लेगेसी समाजवादी पार्टी नहीं। और ये भी है शिवेंद्र की काफी, जैसे मैंने पहले भी कहा, काफी कम उम्र के हैं तो आप अगर जो भी मिलेगा तो उनके पिता के नाम पे ही उनको ज्यादा वोट मिलेंगे। बिल्कुल बेशक, ये बात तो तय है कि शिवपाल यादव के नाम पर ही मिलेगा, समाजवादी पार्टी के नाम पे ही मिलेगा। तो असल में इम्तिहान शिवपाल यादव का ही है और वहाँ के तमाम लोग ये भी जानते हैं कि ये समाजवादी पार्टी के परिवार से ही है, अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं और इस तरह की तमाम चीजें पता है और जो कनेक्ट है वो दूसरे तरीके का। हालांकि वो
सामने आकर के नेता के तौर पे नहीं रहे, लेकिन क्षेत्र पे आदित्य यादव लगातार काम करते रहे, क्योंकि उनको इस बात का तो अंदाजा था ही कि उस लीगेसी को आगे बढ़ाने के लिए आगे आना उनको पड़ेगा। शिवपाल यादव की उम्र भी हो चुकी है और ये आखिरी शायद पारी भी खेल रहे हैं। बधाइयों के बाद आपको यादव परिवार के एक और सुपुत्र की सीट का हाल दिखाते हैं। तीसरे चरण में यूपी की फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर भी चुनाव है। रंग बिरंगी चूड़ियों और कांच के सामान के लिए मशहूर फिरोजाबाद में सपा महासचिव रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप जल्दी से फिरोजाबाद के उम्मीदवारों के बारे में भी जान लीजिए। फिरोजाबाद लोकसभा सीट से सपा के दिग्गज नेता और राज्यसभा सदस्य रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनावी मैदान में हैं। अक्षय यादव के खिलाफ बीजेपी ने ठाकुर विश्वदीप सिंह को उतारा है तो बसपा ने चौधरी बशीर पर भरोसा जताया है। 2019 में यादव परिवार में लड़ाई चल रही थी। रामगोपाल यादव से नाराज शिवपाल यादव फिरोजाबाद सीट पर खुद उतर गए थे, जिससे अक्षय यादव चुनाव हार गए थे। जबकि 2014 में इसी सीट से अक्षय सांसद चुने गए थे। शिवपाल यादव अब साथ हैं। यहां चुनौती बीजेपी की भी कम नहीं है। बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन का टिकट काट कर दांव दूसरे ठाकुर नेता विश्वदीप सिंह पर खेला है, तो बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर अक्षय और रामगोपाल यादव की टेंशन बढ़ा दी है। हालत यह है कि रामगोपाल यादव अपने बेटे को जिताने के लिए फिरोजाबाद में डेरा डाले हुए हैं और दिन रात एक किए हुए हैं। तो क्या इस बार रामगोपाल यादव अपने बेटे को जिता सकेंगे? यहाँ भी बदायूं जैसा ही हाल है। देखिए, रामगोपाल यादव के बारे में अगर समाजवादी पार्टी में बात करें तो एक आम तौर पर चर्चा है कि वो बहुत फोकस्ड हैं। फोकस्ड यानी कि वो खुद पर और अपने बेटे पर, और इसके अलावा पार्टी के तमाम लोग इस पर अत्यंत नाराज भी रहते हैं कि रामगोपाल यादव का जो कद है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो उनके चाचा हैं अखिलेश यादव के, वरना उनका पार्टी में उस तरह का योगदान क्षेत्र में यानी फील्ड में नहीं रहता जिस तरह का रहना चाहिए। शिवपाल यादव उसके उलट अपने अनुभव और अपनी मेहनत के चलते लगातार दौरे करते रहते हैं, लेकिन रामगोपाल यादव जिस तरह से लगते हैं लड़ते हैं वो पार्टी के रणनीति बनाने में लगते हैं और अपने बेटे को जिताने की कोशिश में लगते हैं। तो जाहिर सी बात है उनके पास रणनीति है और अक्षय पहले भी रह चुके हैं, नेता हैं, पुराने, बहुत पुराने नहीं लेकिन फिर भी अपनी उम्र के हिसाब से अनुभवी नेता हैं, और उसका जो फायदा मिलना है, जो यादव परिवार का फायदा मिलना है, रामगोपाल यादव के सपोर्ट का फायदा मिलना है, अखिलेश के नाम का फायदा मिलना है, वो मिलना तय है। लेकिन एक बात ये भी है कि इन लोगों के बारे में, चाहे वो अक्षय हो चाहे ये आदित्य यादव हो, इन लोगों के बारे में आम धारणा ये भी है जनता के बीच में कि ये लोग परिवार की होने को जस्ट जीत तो जाते हैं लेकिन उस तरह से लोगों से इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि नई जनरेशन है, इनके थॉट प्रोसेस डिफरेंट है और वो पूरी की पूरी बेल्ट डिफरेंट है, वहाँ कनेक्ट को लोग ध्यान देते हैं, लोगों से उस तरह से कम्युनिकेट कर पाना मुश्किल होता है। अगर कनेक्ट को ध्यान दे पाएंगे तो शायद असर पड़े, वरना उनके लिए चुनौती कम नहीं है। इन शिवेंद्र, लगातार बीजेपी जो है परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर धावा बोल रही है और यहाँ तो साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए परिवारवाद को लेकर के तमाम जो बातें होती रहती हैं उसमें सबसे बड़ा निशाना तो उत्तर प्रदेश में बात करें तो समाजवादी पार्टी की है, बिहार में बात करें तो लालू यादव परिवार है। लेकिन इस बार एक नई समीकरण भी निकल आया। जब बात ये होनी शुरू हुई तो उधर ओवैसी ने ये भी कह दिया कि मोदी के परिवार में क्या है, कौन इनके कितने लोग जुड़े हुए हैं, मतलब बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई। तो वही जो मैं शुरुआत में कह रहा था कि अब जो मुद्दे हो रहे हैं, जिस तरह का मुद्दा एक पार्टी लेकर के आती है उसी की काट के लिए दूसरा कुछ और तैयार कर लेता है। तो जो छोटे छोटे पॉकेट्स में चुनाव हो रहे हैं, जो झगड़ा चल रहा है या जो खींचतान चल रही है वो उन्हीं मुद्दों पर चल रहा है, इनमें कहीं कोई मुद्दा राष्ट्रीय नहीं है। बड़ा रोचक होगा देखना कि बाप बेटे की ये केमिस्ट्री कितना काम कर पाती है। बिल्कुल, हम अब की बार आर पार अपने इस खास शो में नेता पुत्रों की बात कर रहे हैं तो भला एक और विरासत को कैसे भूल सकते हैं। वो विरासत है एटा में बाबूजी कहे जाने वाले स्वर्गीय कल्याण सिंह की। तो आइए हम आपको एटा के उम्मीदवारों के बारे में बताते हैं। तीसरे चरण में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह भी अपनी अग्नि परीक्षा देने वाले हैं। राजवीर सिंह एटा लोकसभा सीट से एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। सपा ने इस बार राजवीर के खिलाफ देवेश शाकी को उतारा है तो बसपा ने मोहम्मद इरफान को प्रत्याशी बनाया है। सपा ने राजवीर सिंह के सामने चुनौती खड़ी की है तो बसपा के मुस्लिम कैंडिडेट उतारने से सपा के कोर वोट बैंक में बिखराव का खतरा बन गया है। सपा यादव शाह के मुस्लिम समीकरण के सहारे कल्याण सिंह के बेटे की सीट पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहती है। शाह के वोटर्स यहां बड़ी संख्या में है जो बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन सपा के देवेश शाह के उतरने से चुनौती जाहिर तौर पर बढ़ गई है। ऐसे में देखना यह है कि कल्याण सिंह के सियासी विरासत को राजवीर क्या बचाए रख पाने में कामयाब रहते हैं। तो शिवेंद्र, यहाँ शाह के उम्मीदवार उतार कर समाजवादी पार्टी ने राजवीर सिंह की सीट
फंसा तो नहीं दिए? क्या बाबूजी की विरासत राजवीर को फिर संसद में पहुंचा पाएगी? देखिए, ये बात तो तय है कि शाक की उम्मीदवार उतारने से चुनौती बढ़ी है, लेकिन अगर कल्याण सिंह की लेगेसी को देखें तो वहां से ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की तमाम अगर जगहों को देखें तो वहाँ उनका अच्छा खासा दबदबा था। वो मुख्यमंत्री रहे और उनका कद इतना बड़ा था कि एक बार की तो केंद्र में उनके लिए माना जाता था कि किसी बड़ी जगह जाना चाहिए, लेकिन फिर तमाम वजहों से सेहत को लेकर के और कंट्रोवर्सीज के चलते कल्याण सिंह थोड़ा पीछे हो गए। लेकिन कल्याण सिंह बहुत कद्दावर नेता थे और उनकी जो विरासत है उसको राजवीर सिंह ने उतनी ताकत से तो नहीं लेकिन काफ़ी कुछ हद तक समेटा है और उसको बढ़ाए रखने में भी काम किया। आप तमाम राजनीतिक चर्चाओं में बहुत सी बातें सुनेंगे लेकिन ये कम सुनने को मिलेगा कि राजवीर सिंह ने कोई कंट्रोवर्सियल बयान दे दिया या राजवीर सिंह अपने क्षेत्र के अलावा बहुत कहीं ज़्यादा एक्टिव हैं। तो लगातार बने रहते हैं अपने जहां भी उनको काम करना होता है, तो इसका जाहिर सी बात है फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अब जो समीकरण जिस तरह के बनाती हैं सियासी पार्टियाँ इलेक्शन से ठीक पहले, उनमें कितने खड़े उतरते हैं, उनसे कितना कॉम्बैट कर पाते हैं, वो बहुत बड़ी चुनौती होगी। इस सीट पर भी लड़ाई विरासत की ही है। बिल्कुल, तीसरे चरण में 7 मई को सेंट्रल यूपी के 10 जिलों में वोटिंग होनी है। 2019 की मोदी लहर में इनमें से सिर्फ मैनपुरी ही समाजवादी पार्टी जीत सकी थी। मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव जीते थे, बाकी सब सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। तो 2024 के चुनाव में सेंट्रल यूपी की यादव पट्टी कहे जाने वाले इस इलाके में तीनों पार्टियों की साख दांव पर लगी है। हमने आपको प्रमुख सीटों की टक्कर बताई है लेकिन बाकी सीटों पर यही हाल है। तीसरे चरण में फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर मतदान होना है लेकिन यहाँ बीजेपी के अंदर ही घमासान मचा है। यहाँ से बीजेपी ने राजकुमार चाहर को लोकसभा सीट का उम्मीदवार बनाया है लेकिन बीजेपी के ही पूर्व सांसद और बीजेपी के मौजूदा विधायक बाबूलाल ने अपने बेटे रामेश्वर चौधरी का निर्दलीय पर्चा भरवा दिया है और इसके बाद माहौल बदल गया है। तो अब हालत यह है कि राजकुमार चाहर और चौधरी बाबूलाल की आपसी लड़ाई में बीजेपी की सेफ सीट भी यहाँ फंस गई है। सेफ सीट इसलिए कह रही है क्योंकि 2019 के चुनाव में यहां से राजकुमार चाहर ने प्रधानमंत्री मोदी से भी बड़ी जीत दर्ज की थी। वो 4,95,000 वोटों से जीते थे। मुगल काल में सम्राट अकबर की राजधानी रही इस सीट पर मुकाबला अब बेहद रोचक है। तीसरे चरण के मतदान वाले सियासी तौर पर गर्म यूपी का ये इलाका मौसम के लिहाज से भी बेहद गर्म है। 7 मई को यहाँ पर पारा 40 डिग्री के आसपास रह सकता है। तीसरे चरण में कैसी वोटिंग होती है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो तीसरे चरण में किस नेता पुत्र की नैया पार होती है और कौन मझधार में फंसता है इसका पता 4 जून को चलेगा। लेकिन हम तीसरे चरण की वोटिंग की हर तस्वीर, उसके मायने आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिर किसी और इलाके की सियासी तस्वीर लेकर हाजिर होंगे और आपको दिखाएंगे अब की बार आर पार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।